हत्याकांड में जब एक एक सबूत सामने आ रहा है, जब श्रद्धा का लेटर भी चीख चीख कर बोल रहा है कि आफताब के इरादे खौफनाक थे, श्रद्धा समझ गई थी, ऐसे में बेहद खास दिन आज का है क्योंकि आज हो सकता है पॉलीग्राफी टेस्ट जो अभी तक नहीं हुआ था। कई सवालों के ऐसे जवाब हैं जो दिल्ली पुलिस जानना चाहती है, आफताब से सच उगलवाना चाहते हैं और इसीलिए नार्को टेस्ट जरूरी भी है। कई सवालों के जवाब मिलना अभी भी बाकी है। श्रद्धा की मौत से जुड़े हुए, श्रद्धा की हत्या से जुड़े हुए कई ऐसे राज हैं जिनसे पर्दा हटना अभी बाकी है। ऐसे में सवालों की सूची तैयार की हुई है पुलिस ने, जिनके जवाब वो आफताब से चाहती है। पॉलीग्राफी टेस्ट का पहला चरण जो कि पूरा हो चुका है, अब बाकी का प्रोसीजर अब आगे हो सकता है क्योंकि जरूरी भी है। नार्को टेस्ट आधी बेहोशी की हालत में उससे सवाल किए जाने हैं, 18 सवाल हो चुके हैं। आशीष सिन्हा हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ। आशीष, अभी तक आधा अधूरा सच सामने आया है, पूरा सच नार्को टेस्ट के बाद ही आएगा ऐसा समझे, आज क्या हो सकता है? देखिए, आज सबसे पहले आफताब का मेडिकल चेकअप होगा क्योंकि कल पूरी तरह से तैयारी कर ली गई थी एफएसएल लैब में, और आफताब का जो पॉलीग्राफी टेस्ट है उसके लिए जो 5 डॉक्टरों की टीम है वो भी वहां पर मौजूद थी। लेकिन कल जब आफताब का बीपी चेक किया गया तो उसका बीपी बढ़ा हुआ था और ये वजह थी कि कल जो पॉलीग्राफी टेस्ट था वो नहीं हो पाया। उम्मीद यही की जा रही है कि आज जो पॉलीग्राफी टेस्ट है वो कंप्लीट कर लिया जाएगा, और जैसे ही पॉलीग्राफी टेस्ट को कंप्लीट किया जाएगा उसके बाद नार्को टेस्ट भी किया जाएगा। सबसे अहम यह है रचना कि 13 दिन हो चुके हैं, 13 दिन से जो आफताब है वो इस समय दिल्ली पुलिस की कस्टडी में है, लेकिन बहुत ज्यादा कोई ठोस एविडेंस अभी तक दिल्ली पुलिस के पास नहीं लगा है। इसीलिए दिल्ली पुलिस की जो सारी उम्मीदें हैं इन दो टेस्ट पर जुड़ी हुई है। इन्हीं इन दो अलग अलग टेस्ट के जरिए, यानी पॉलीग्राफी के जरिए और नार्को के जरिए, दिल्ली पुलिस जो अलग अलग कड़ियां हैं उनको एक साथ जोड़ने की कोशिश करेगी, क्योंकि डायरेक्ट सबूत तभी मिल पाएंगे जब आफताब बताएगा कि आखिर उसने बॉडी के जो दूसरे पार्ट थे उनको कहां डिस्पोज ऑफ किया है। हालांकि कल दिल्ली पुलिस को कामयाबी जरूर मिली थी, दिल्ली पुलिस को जरूर कुछ खून के डब्बे मिले थे फ्लैट से, लेकिन अभी वो एनफ एविडेंस नहीं है। एनफ एविडेंस के लिए अभी भी जो बॉडी के दूसरे पार्ट है उसका रिकवर होना बेहद जरूरी है। आशीष, आपने कहा कि जो पॉलीग्राफी टेस्ट है उसकी आधी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, आधी आज हो सकती है। पॉलीग्राफी टेस्ट जो कि नार्को से पहले होना है, नार्को में अभी कितना वक्त और लगेगा? देखिए, जब तक पॉलीग्राफी टेस्ट पूरी तरह से नहीं हो जाता तब तक उसके बाद नार्को नहीं हो पाएगा रचना, ये तय मान के चलिए। सबसे पहले पॉलीग्राफी होना है और पॉलीग्राफी टेस्ट होने के लिए आफताब का स्वस्थ होना जरूरी है, क्योंकि आफताब घबराया हुआ है। बीपी बढ़ने की पीछे की वजह ही यही है कि आफताब जो है वो पूरी तरह से घबराया हुआ है। जो कोर्ट में उसके हाव-भाव है, कोर्ट में जिस तरह से उसने अपने बयान को कहा कि हाँ मैंने जो किया गुस्से में किया, और कल जब मेडिकल चेकअप किया गया तो आफताब का जो बीपी था वो बढ़ा हुआ था। पहले सबसे पहले आज आफताब का मेडिकल चेकअप किया जाएगा और मेडिकल चेकअप में अगर वो क्लीन होता है तो जो पॉलीग्राफी की जो प्रक्रिया है उसे पूरा किया जाएगा। 40 से ज्यादा सवाल हैं जो दिल्ली पुलिस आफताब से पूछेगी और इन सवालों के जरिए कड़ियों को जोड़ने की कोशिश करेगी। लेकिन एक सवाल ये है जो अभी तक जो दर्शक जानना चाहते हैं कि आखिर नवंबर 2020 में जब श्रद्धा ने एक लेटर लिखा, श्रद्धा ने शिकायत की कि नहीं आफताब से मुझे जान का खतरा है, आफताब मेरे टुकड़े कर देगा, उसके पेरेंट्स को ये बात पता है, लेकिन ऐसी क्या मजबूरी थी कि उसके बावजूद जो श्रद्धा है वो 2 सालों तक आफताब के साथ रही? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब मिलना। और आशीष, श्रद्धा के जो कुछ करीबी दोस्त हैं वो ये भी बताते हैं कि माँ के डेथ के बाद श्रद्धा अकेली हो गई थी, वो पूरी तरह से डिपेंडेंट हो गई थी आफताब पर, लेकिन आफताब जो कि मारपीट कर रहा था, शिकायत लेकर पहुंची जरूर थी 2020 में, लेकिन उसके बाद ऐसी कौन सी चीज थी जिसे ब्लैकमेल किया गया और श्रद्धा फिर भी आफताब के साथ रुकी रही, उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में बनी रही, जबकि वो जानती थी उसकी जान को खतरा है। लेटर का एक एक शब्द यही इशारा कर रहा है। आशीष, नजर आप रखिएगा इस खबर से जुड़ा, आगे जो भी अपडेट होगा आप ही के जरिए दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे। श्रद्धा हत्याकांड से जुड़ा एक एक राज खुलना भी बाकी है, नार्को टेस्ट होना है, लेकिन उससे पहले जो आधा बचा हुआ पॉलीग्राफी टेस्ट है वो भी होगा।